ईवीएम के लिए भी सड़क पे संघर्ष करना पड़ेगा, वरना वोटों की भी वैल्यू नहीं रहेगी। प्रोग्राम को भी 18 तारीख की रामलीला मैदान में होना चाहिए था, लेकिन स्पेशल सेल ने हमें बताया कि 80,000 से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे। यहां भी हमारे ऊपर दबाव है कि अगर आपके 540 लोगों से ज्यादा लोग हुए तो हम आपका प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। ये क्या डर है सरकार को? बिजनेस में हर पोस्ट पे, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे, मंत्रियों की पोस्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट्स में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, हर चीज में भारत की, जिसकी जनता हमारी, हम मालिक हैं बराबर के, 100% रिजर्वेशन, यही एक सॉल्यूशन है। फिर हमें किसी को मजलूमियत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई मजलूम ही नहीं रहेगा अगर हम 100% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में। तो हम लोगों ने यह फैसला किया, मौलाना तकी रजा ने इस बात का हमें सजेशन दिया कि इससे भी अच्छा एक रास्ता निकाला जाए। हम हर स्टेट में, एक मुस्लिम पंचायत करें जिसमें 500 लोगों की कमोबेश गैदरिंग की जाए, मेहनाज लोगों को बुलाया जाए, ओपिनियन मेकर्स को बुलाया जाए, और जब उसमें कुछ फैसले लिए जाए। और आज की महफिल में भी मौलाना तौकीर रजा साहब अभी कोई जो इस मीटिंग का फैसला आप सब लोगों से डिस्कस करके निकाला जाएगा उसका भी ऐलान करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल रास्ता, बहादुरी वाला रास्ता, ऐसा रास्ता जिससे हमें फायदा पहुंचे, सिर्फ जबानी जमा खर्च ना हो, वो निकालने के लिए आज यहां इकट्ठे हुए। तो उस फैसले का भी ऐलान आप लोगों के सामने भी होगा। मैं आप लोगों को पस मंजर बताना चाहता, अभी इस प्रोग्राम को भी 18 तारीख की रामलीला मैदान में होना चाहिए था, लेकिन स्पेशल सेल ने हमें बताया कि 80,000 से भी ज्यादा लोग हो जाएंगे। यहां भी हमारे ऊपर दबाव है कि अगर आपके 540 लोगों से ज्यादा लोग हुए तो हम आपका प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। ये क्या डर है सरकार को? ये क्या डर है ऐसी ताकतों को जो मुल्क का संविधान खत्म करके ऐसा कानून लाना चाहते हैं जो इंसान को इंसान के बराबर ना समझे? वो डर है एक ग्रुप मजलूमों का, दूसरे मजलूमों की आवाज अगर उठाने लगेगा तब ये नफरत की जो राजनीति है वो खत्म नहीं, नेस्त तो नाबूद हो जाएगी। मुसलमान मुसलमानों की आवाज उठाएं, ट्राइबल ट्राइबल की आवाज उठाएं, शेड्यूल कास्ट की आवाज उठाएं, ओबीसी की आवाज उठाएं, सिख की आवाज उठाएं, क्रिश्चियन की आवाज उठाएं, बौद्ध की आवाज उठाएं। सरकार खुश होती है, लेकिन मुसलमान अगर SC ST ओबीसी माइनॉरिटी की बात उठाता है तो सरकार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये रास्ता हमें ऊपर वाले ने दिखाया है इस हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत के जरिए, और जो रुकावटें हमारे सामने पेश की जा रही है उसके जरिए, और इस रस्सी को, इस रास्ते को हम इंशाल्लाह ताला अब नहीं छोड़ने वाले। ये हम ऐलान, हमारे मुल्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, मैं बार बार जय भीम बोलता हूं, बहुत सारे लोग हैरान भी होते हैं कि पूछते भी हैं मुझसे, मैं बहुत ही चंद अल्फाज में अपनी बात खत्म करूंगा। ये जो भारत का संविधान बना है ये सिर्फ इंसान को इंसान के बराबरी का हक नहीं दिलवाता, ये बल्कि उसको इज्जत से जिंदगी दिलवाने के लिए भी सब वसाइल मुहैया कराता है। जुडाइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, लिंगायतिज्म और हमारे जितने भी लीडर्स रहे, आयत रहे, रविदास, कबीरदास, रैदास, जितने भी महान शख्सियतें रही हैं, उनका सोशल मैसेज, रसूल अल्लाह का सोशल मैसेज चाहता, हज, रोजा, नमाज, जकात, ये एक मुसलमान अपने फायदे के लिए करता है, अपनी निजात के लिए करता है। इसी तरीके से अलग अलग मजहब को लोग अपनी निजात के लिए पूजा करते हैं, कोई चर्च में जाते हैं, कोई कुछ करते हैं।
अल्लाह ताला ने, उस रब्बुल इज्जत ने, उसने एक सबसे बड़ी ताकत में हर इंसान की जिम्मेदारी क्या लगाई है कि हर एक के लिए इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करो, जिहाद करो। यही हर मजहब का सोशल मैसेज का जुज है हमारा भारत का संविधान। और इस संविधान को बनाने में बाबा साहब और उनके मुट्ठी भर साथियों को कितनी मेहनत लगी थी, इसका अंदाजा तभी आपको लगेगा जब आप उस वक्त के हालात देखो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, मुस्लिम कम्युनिटी को उनके हारने के बाद पूरी ताकत लगा के संविधान बनाने की कमेटी में भेजना पड़ा था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत। लोग जाने नहीं देना चाहते थे बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब ये करते हैं कि सभी मजहबों की अच्छी बात सोशल मैसेज इकट्ठा करके वो, और इसी की वजह से, और इस संविधान में ही सारे सोल्यूशन है हमारे। एक वोट का हक देकर, जो एक वोट लोग नहीं चाहते थे कि हर एक को एक वोट का बराबर का हक मिले, इस मुल्क के हरेक जमीन की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों तक इस मुल्क के हरेक बाशिंदे को एक वोट का अधिकार देके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने, आपके और हमारे संविधान ने, हमें इस मुल्क का बराबर का मालिक बनाया है। यह भारत का संविधान। जो लोग रिजर्वेशन की मुखालफत करते हैं, मैं बहुत ही चंद लफ्जों में आपको अपनी बातें बताना चाहता हूं जो मैंने पिछले 10 साल से ज्यादा मेहनत करके, जमीन पे लड़ाई करके सीखी है। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा, मौलाना भी ऐलान करेंगे, जिससे ये जो हमने नफ्स पकड़ी है ना, मुसलमान सिर्फ मुसलमान की बात करें, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, सही बात है। सब मजलूम है, मुसलमान भी मजलूम है, शेड्यूल कास्ट भी मजलूम है, शेड्यूल ट्राइब भी मजलूम है, ओबीसी भी मजलूम है, सिख क्रिश्चियन बौद्ध भी मजलूम है, गरीब भी मजलूम है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो मुल्क के सारे वसाइल, जो मुल्क के हर एक परिवार को खुशहाल बना सकते हैं, वो अपने कब्जे में करके बैठे हैं, 1% से भी कम लोग। आवाज उठाना अपनी अपनी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका नाजायज अपनी ताकत का, अपने जो फ्रॉड फरेब, अपनी मीडिया का जो फ्रॉड बातें करती है, अपने उन जेबी इंडस्ट्रियलिस्ट के जरिए सारे मुल्क के वसाइल कब्जा करके और उसका इस्तेमाल करके, अगर कोई एक इंडिविजुअल ग्रुप अपनी आवाज उठाता है तो उसका नाजायज इस्तेमाल करके, पोलराइजेशन करके उसका नाजायज फायदा नुकसान करने वाले ही उठाते हैं। इसीलिए हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वो रास्ता भारत के संविधान में ही मौजूद है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में ही मौजूद है। एक वोट और एक आदमी, एक बराबर एक के जो मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का मोटो भी है, जो उसका सिंबल भी है, वो क्या है? रिजर्वेशन है हर एक इंडिविजुअल इंसान के लिए उसका बराबर का हक दिलवाने के लिए। तो अगर हम एक कॉमन एजेंडा बना सके, एक कॉमन एजेंडा बना सके, तो हम सब लोगों की मुसीबतों का समाधान हो जाएगा। वो कॉमन एजेंडा बनाने ही हम आज यहां बैठे हैं, और मैं तजवीज करूंगा और आप सब लोगों के वोट भी हासिल करना चाहूंगा जो तजवीज मैं कर रहा हूं, उसके बाद रास्ता दिखाने के लिए मौलाना तौकीर रजा उस पर फरमाएंगे आपके साथ। सब दो सोल्यूशन है हमारे पास और दोनों साथ साथ करने पड़ेंगे। पहला सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हम पार्लियामेंट असेंबली में, दूसरे इलेक्टेड जगहों पे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पहला फॉर्मूला था ना, पूना पैक से पहले, जिसकी जितनी संख्या भारी उतने उसके नुमाइंदे हर एक इलेक्टेड बॉडी में, पार्लियामेंट में, असेंबली में, कॉर्पोरेशंस में, ग्राम पंचायत में होने चाहिए, संख्या भारी के हिसाब से होने चाहिए। पूना पैक के जरिए उसको रोक दिया गया, नहीं तो पूना पैक से पहले जो तजवीज थी, अगर मुल्क में 15-17% शेड्यूल कास्ट थे तो 17% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की अपनी आवाज से पार्लियामेंट में लोग जाएंगे। अपनी आवाज का फर्क समझिए, पॉलिटिकल पार्टी के नॉमिनेटेड लोग नहीं, अपनी आवाज से जाने वाले
लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, अपनी आवाज से चुने हुए जो लोग होंगे वो अपने लोगों के लिए लड़ाई करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर हमने जिन लोगों के वोट से चुन के हम आए उनकी बात नहीं की तो हम लोग अगली बार उनको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, अगली बार पार्लियामेंट में नहीं आ पाएंगे। लेकिन यह नहीं हुआ तो उसका दूसरा रास्ता था रिजर्वेशन। रिजर्वेशन पे मैं भी अर्ज करूंगा सॉल्यूशन के तौर पे। दूसरा एक और रास्ता है, एक तो पार्लियामेंट में अपनी सरकारें बनवाएं, दूसरा रास्ता है जो भारत का संविधान है और उसके तहत जो कानून बने उस पर सख्ती से अमल करवाएं, तब भी लोग खुशहाल हो सकते हैं। दो रास्ते हैं, एक है ये, दूसरा रास्ता है सड़क पे संघर्ष करने का पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, और पहला रास्ता है सत्ता हासिल करने का। तो ये दोनों रास्ते साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे जब ही हम इस मुसीबत से अपने देश को भी बचा सकेंगे और एक हर एक मजलूम को भी बचा सकेंगे। मेरे सामने यहां अली बिल्डर साहब बैठे हैं, ये एक बड़ी तहरीक पीसफुल प्रोटेस्ट का एक बड़ा हिस्सा है जो यहां करबला जोरबाग में लड़ी गई थी। बड़े बड़े लोग एक 50,000 करोड़ की वक्फ की जायदाद छीनना चाहते थे, लेकिन इनके मुट्ठी भर साथियों ने उसको नाकाम किया। यह है संविधान की ताकत, जो कि जीते हुए लोगों को भी, जो संविधान की ताकत से जीते हुए लोग हैं उनको भी गलत काम करने से रोकती है। मेरे सामने यहां डॉक्टर रितु भी बैठी है और मैं आप सब लोगों को दावत दूंगा, ये एक हमारी शेड्यूल कास्ट की पढ़ी लिखी ऐसी प्रोफेसर हैं जिनको एक खास किस्म की मानसिकता जो कि संविधान के खिलाफ है, भाया नहीं कि ये इतनी अच्छी टीचर कैसे, इनको डॉक्यूमेंट फोर्ज करके दस्तावेज नकली बना के इनकी नौकरी छीन ली गई। ये अपनी लड़ाई, अपनी नहीं, अपने सारे जैसे लोगों की, जिनको झूठी बुनियाद पर जिनकी नौकरियां छीन ली जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, दूसरी जगहों पर, उनकी लड़ाई पिछले आज 110 दिन से लड़ रही है सड़क पे बैठ के। ये है रास्ता दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जो रास्ते हैं ये इख्तियार करना बहुत जरूरी है, उसके लिए भी मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमने अभी आपसे अर्ज किया कि हर एक स्टेट कैपिटल में ये मुस्लिम पंचायत होगी और वो सभी की आवाज उठाएगी, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस तरह की सड़क पे लड़ाई करने के ऑफिस भी खुले हर जगह। ये हमारा पहला रास्ता है कि जो सरकारें चुनी हुई हैं उनको भी मजबूर करें कि हक तलफी ना की जाए, उनको भी मजबूर करें कि हमें खुशहाल रखा जाए। मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली दंगों में, और यहां पर जो नेशनल हॉकर्स फेडरेशन के लोग भी आए हुए हैं हमारे, और उसमें हमारे दिल्ली के कन्वीनर भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, अभी आप सब लोगों के सामने राजेश कुमार जी आए थे, उन लोगों ने भी पुलिस को, जो मैं बार बार कहता हूं ना, ये सरकारी नौकर हमारे नौकर हैं, पुलिस को नौकरों को नौकरों की जगह रखने का काम भी नेशनल हॉकर फेडरेशन ने बड़े अच्छी तरीके से दिल्ली में किया है, उसके लिए भी वो तारीफ का मुस्तहिक है। तो पहला काम तो हमारा ये है नौकरों को नौकरों की जगह पे रखे मालिक, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर, ये IAS ऑफिसर, ये चीफ सेक्रेटरी, ये सब हमारे नौकर। तो नौकर को नौकर की जगह रखना, उससे नौकर की तरह काम कराना, इज्जत से, मैं बेइज्जती करने की, नौकर का मतलब बेइज्जती नहीं, इज्जत से काम कराना, लेकिन काम करने के लिए संवैधानिक तरीके से मजबूर करना, ये पहला रास्ता। दूसरा बड़ा रास्ता है पार्लियामेंट में ताकत हासिल करना। पहले रास्ते के लिए और दूसरे रास्ते के लिए भी ताकत हासिल करके हम क्या करेंगे उस पर मैं अपनी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 100% रिजर्वेशन, यही जो बात है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है। अगर हम 100% 100% रिजर्वेशन मांगेंगे जमीन से की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, हर एक इंसान के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए, और इसमें इस बात का भी खास ध्यान रखना जरूरी है कि एक कम्युनिटी के अंदर भी गिरोह होते हैं, इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। हर एक कम्युनिटी के अंदर, हर एक मजहबी ग्रुप के अंदर, हर एक जाति के अंदर भी सब जातियां भी होती, उनकी भी सब जातियों के
हिसाब से, उनके भी संख्या के हिसाब से, उनके रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन सिर्फ पढ़ाई और नौकरियों में नहीं, बिजनेस में हर पोस्ट पे, प्रधानमंत्री की पोस्ट पे, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे, मंत्रियों की पोस्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट्स में, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में, हर चीज में भारत की, जिसकी जनता हमारी, हम मालिक हैं बराबर के, 100% रिजर्वेशन, यही एक सॉल्यूशन है। फिर हमें किसी को मजलूमियत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई मजलूम ही नहीं रहेगा अगर हम 100% रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में एक ही एजेंडा अगर हम सबका हो जाए, इसी एजेंडे के लिए हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई करें, तो मुझे नहीं लगता हमें किसी को भी अपनी अपनी बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो ब्राह्मण जो समाज से आते हैं लोग, उनका भी 2.5 से 3% सरकार खुद दरवाजा खटखटा के उनके घर पे पेश करके आया करेगी, जो हमारे दूसरे जो जनरल कैटेगरी के लोग भी हैं वो, क्योंकि 100% रिजर्वेशन हो चुका हो, दरवाजा खटखटाने की जरूरत इसलिए पड़ेगी तब SC ST OBC और माइनॉरिटी का राज है, तो इसलिए हम लोग घर जाके उनका हक उनके घर पे देके आए। हम लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि हम मजलूम हैं, जो जुल्म हमारे साथ हुए हम उसको किसी और के साथ नहीं कर सकते। ये है जब तक हमारी सरकारें नहीं बनती तब तक के लिए। दूसरा, जो कानून आज तक बने हुए हैं, वक्फ एक्ट है, SC ST एक्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सब प्लान है जिसमें बजट में परसेंटेज का कानून बना हुआ है देश, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी बजट में हिस्सेदारी का, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कानून देश में बना हुआ है। वक्फ, SC ST एक्ट, SC ST सब प्लान, रिजर्वेशन नौकरियों में और एजुकेशन में जो आज की तारीख में मौजूद है, जिसको बैकलॉग और नॉट फाउंड सूटेबल के जरिए खत्म किया जाता है, उसके इंप्लीमेंटेशन जो सरकार जो पार्टी करना चाहे और उसके सबूत हमें दे, धोखाधड़ी नहीं, वो है उस टाइम से पहले का सलूशन, जो पहला सलूशन है जब तक हम अपनी सरकारें नहीं बनाते। तो ये हमारी डिमांड्स है, 100% रिजर्वेशन मैंने सब चीजों में, वक्फ एक्ट, और जो Part 3 है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी हुकूमतुली करने वाला को उम्र कैद तक की सजा, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू रिलीजन की, हम अपना जीवन कैसे निर्वाह करना चाहते हैं उसकी गारंटी संविधान ने दे रखी है, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा, ये हम गारंटीज चाहते हैं। जो हम आज वोट देने जाते हैं तो हमें वोट देने का भी अधिकार तो है, लेकिन पता नहीं कि इकट्ठे होकर वोट की ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो मुझे यही बात कहनी थी, आप लोगों में से जो लोग दो दो मिनट बोलना भी चाहें वो अपनी पर्ची दे सकते हैं, हम अपना एक नुमाइंदा यहाँ पे सर्कुलेट करेंगे। एक चीज कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि इस मिशन के साथ जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम भारत के मुसलमान जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मैं ये चाहूंगा और उसके लिए मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश कर रहा है, करेगा भी। हमें DC कपिल साहब का नाम लेना भूल गया, ये ठेकेदारी प्रथा का, ये अभी कई बार जेल भी जाके आ चुके हैं, ये भी सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष करने का ही रास्ता है। EVM के लिए भी सड़क पे संघर्ष करना पड़ेगा, वरना वोटों की भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो मैं माफी चाहता हूं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये स्टेज पे एक से बढ़कर एक मेहनाज हस्तियां, मैं तो उन सब में छोटा हूं, एक से बढ़कर एक मेहनाज हस्तियां यहां मौजूद हैं। मौलाना तौकीर रजा की गाइडेंस पे स्टेज पे हमारे कोई आदमी नहीं है, क्योंकि सब बराबर हैं। ये मैसेज लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, और इस बराबरी को कैसे हासिल करें पॉलिटिकल तौर पे, उसका ऐलान मौलाना तौकीर रजा करेंगे। जो सड़क पे लड़ाई करनी है उसके बारे में मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप सभी लोग मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में इसके ऑफिस खुलाएं। हम सरकारी अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को कानून की ताकत से मजबूर करेंगे कि वो अपनी कानून की शपथ के हिसाब से काम करें, किसी पॉलिटिकल दबाव में, किसी लालच में, किसी करप्ट मोटिव से काम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।